यह है आर्मी न्यूज़ का पहला एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से 27 फरवरी को इंडियन आर्मी ने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार के गिरा दिया था। साथ ही साथ 2017 में जब चीन के साथ डोकलाम विवाद चल रहा था, तब डोकलाम बेस कैंप तक पहुंचने में जहां 7 घंटे लगते थे, वहीं 2 सालों में ऐसा रोड नेटवर्क बिछा दिया गया कि अब सिर्फ 40 मिनट में पहुँचा जा सकता है। तो सियाचिन ग्लेशियर को आम नागरिकों के लिए खोला जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम न्यूज़ काउंटडाउन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। तो शुरुआत करते हैं आर्मी न्यूज़ नंबर 6 से। कुछ ही हफ्तों पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तेजस विमान में उड़ान भरा था, जिसे पूरे देश ने देखा था। राजनाथ सिंह अब वापस उसी अंदाज में दिखने वाले हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर को फ्रांस में भारत को पहला रफाल विमान सौंपा जाएगा। 8 अक्टूबर के दिन फ्रांस में बहुत बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जहां भारतीय सेना, फ्रांस सेना और फ्रांस के एविएशन अधिकारियों के साथ मिल करके भारत को इस सौंपने का प्रोसीजर को अंजाम दिया जाएगा। तो इसी सिलसिले में राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर को ही फ्रांस पहुंच जाएंगे 3 दिन के विजिट पे, और 8 अक्टूबर को जब भारत को पहला रफाल मिलेगा, तो पहला ही रफाल मिलने के बाद सबसे पहला रफाल का टेस्ट करेंगे राजनाथ सिंह। यानी 8 अक्टूबर को राजनाथ सिंह रफाल विमान में अपनी पहली उड़ान भरेंगे, वो भी फ्रांस के ही ज़मीन में, फ्रांस के एक मिलिट्री एयरबेस से। इसके अगले दिन राजनाथ सिंह फ्रेंच आर्मी और फ्रांस के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठ करके ये मीटिंग करेंगे कि भारत और फ्रांस किस तरीके से अपने डिफेंस संबंध और मजबूत कर सकते हैं। आज की वीडियो का स्पॉन्सर है 1xBet। 1xBet एक ग्लोबल बुकमेकर कंपनी है, जिसका बार्सिलोना, लिवरपूल और चेल्सिया जैसे बड़े फुटबॉल टीम्स के साथ कोऑपरेशन है। ये बहुत ज़्यादा विनिंग्स और क्विक पेआउट्स भी देते हैं। आपको बस जाके साइन अप करना है, डिपॉजिट करना है, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना है जो है इंडिया टॉक्स, और आपको $100 तक के बोनस मिलेंगे। तो जाइए खेलिए। आपको बोनस कैसे जीतना है और विनर कैसे बनना है, इसके सारे डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, आर्मी न्यूज़ नंबर 5। 4 अक्टूबर यानी आज के दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान वहां के लोगों को पैसा दे करके एक बड़ी रैली करवाने वाला है, और आर्मी की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस रैली के चक्कर में पाकिस्तान उन लोगों को भड़काना चाहता है और उसी के दौरान LOC क्रॉस करवा के भारत में भेजना चाहता है। तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ये बता भी दिया है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे किसी हरकत को अंजाम दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो भारत में आतंकवादी घुसवा के किसी बड़े आतंकवादी साजिश को अंजाम दिलवा सके। NIA के रीसेंट रिपोर्ट्स ने ये खुलासा किया है कि दिल्ली और जम्मू में ऑलरेडी आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं, और भारत के किसी भी हिस्से में कोई बड़ा आतंकवादी घटना घट सकता है। आर्मी न्यूज़ नंबर 4। इंडियन आर्मी अब सियाचिन ग्लेशियर को कॉमन सिटीजन के लिए खोलने वाली है। अब तक सियाचिन ग्लेशियर पे सिर्फ स्पेशल पर्सनल और मीडिया के लोग ही जा सकते थे, लेकिन अब आम आदमी को भी सियाचिन बेस कैंप और साथ ही साथ सियाचिन के फॉरवर्ड पोस्ट तक भी जाने का मौका मिलेगा। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि ये फैसला लोगों के इंडियन आर्मी के चैलेंजेस और उनके ऑपरेशंस में बढ़ते हुए इंटरेस्ट को देख करके लिया गया है। जैसा कि आप आपके चैनल इंडिया टॉक्स पे भी देख सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट डिफेंस और आर्मी के साथ साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और बढ़ता जा रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि ये कदम नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही साथ लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब भारतीय सेना ने भारत सरकार के साथ मिलकर के ये फैसला किया है कि जिस जिस पोजीशन पे भारत पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध लड़ा था, उन सारे पोजीशंस इंक्लूडिंग टाइगर हिल को भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जहां रेगुलर जो लद्दाख और लेह घूमने जाते हैं लोग, वो वहां पे भी विजिट कर पाएंगे और देख पाएंगे उन चोटियों को जहां से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मार भगाया था। आर्मी न्यूज़ नंबर 3। ये खबर थोड़ा हटके है, पर इस खबर में भारत के भविष्य की तस्वीर दिखती है। भारत ने अपना पहला प्राइवेट ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को आज से शुरू कर दिया है। यानी ये भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन है। इसे भारतीय रेलवे नहीं बल्कि IRCTC ऑपरेट करेगा, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसका रिसेंटली IPO भी आया था। जिन लोगों को नहीं पता है, IPO का मतलब होता है स्टॉक मार्केट ऑफरिंग, यानी रिसेंटली IRCTC स्टॉक मार्केट में भी उतरने वाला है। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस इस डिस्टेंस को 6 घंटा 15 मिनट में तय कर लेगा।
और इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खूबियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये ट्रेन एक घंटे से ज़्यादा लेट होता है अपने शेड्यूल टाइम से तो आपको 100 रुपये रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये ट्रेन 2 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक लेट होता है तो आपके आपके टिकट में से 250 रुपये रिफंड मिल जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत जापान से सिर्फ ट्रेन का टेक्नोलॉजी ही इम्पोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि साथ ही साथ उनके तौर तरीके भी थोड़ा थोड़ा इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रेन में अगर आपको टिकट खरीदना है तो आप उसे नॉर्मल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से नहीं कर सकते हैं, आपको IRCTC के वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ही करना होगा। और इस ट्रेन के फेयर की बात करें तो नॉर्मल जो AC चेयर कार होगा उसका फेयर होगा लखनऊ से दिल्ली तक का 1,125 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का होगा 2,310 रुपये। साथ ही साथ इस ट्रेन में आपको फ्लाइट की तरह ऑनबोर्ड सर्विस स्टाफ मील्स भी ला करके प्रोवाइड करेंगे, टी और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स लगे होंगे और आपको फ्री पानी मिलेगा RO मशीन्स के द्वारा। अगला खबर चीन की खुशी छीनने वाला है। आर्मी न्यूज़ नंबर 2। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद चल रहा था उस समय भारत ने चीन को जो अवैध रोड कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा था उससे रोका था और अपने ज़मीन में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर हम उस समय यानी 2017 के हालात देखें तो उस समय डोकलाम बेस कैंप तक पहुंचने में 7 घंटा लगता था क्योंकि वहां पे एक अच्छा रोड नहीं था। अब देखिए कि 2 साल में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कितना बेहतरीन काम किया है। यानी हम 40 मिनट में अपने सारे लॉजिस्टिक्स ले जा करके चीन की सीमा पर खड़ा कर सकते हैं और चीन के किसी भी हरकत का अंजाम दे सकते हैं। ये रोड इतना बेहतरीन है कि आप इसे सैटेलाइट इमेज से भी देख सकते हैं। सैटेलाइट से देखने पर ये किसी ब्लैक चारकोल लाइन की तरह दिखता है क्योंकि ये बिल्कुल गाढ़ा काले रंग का है। यहाँ पर मैं पूरे इंडिया टॉक्स के टीम की तरफ से BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक सलाम देना चाहता हूँ। ये बहुत ही दुर्गम हालात में जा करके ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसके मदद से हम और आप ऐसे दुर्गम इलाकों में भी आसानी से जा सकें। ये ऐसे दुर्गम इलाकों में ना सिर्फ रोड बनाते हैं बल्कि रोड के मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, जहाँ हर समय लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, बर्फ़ जमता रहता है, इन सब के बीच ये रोड को क्लियर रखने की कोशिश करते हैं ताकि आर्मी का मूवमेंट कभी भी रुक ना पाए। तो इंडियन आर्मी अगर समय रहते LOC के पास तक पहुँच पाती है तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय BRO को जाता है, इनके रोड मेंटेनेंस के टीम को जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ चलते हैं हमारे नए सीरीज़ आर्मी न्यूज़ के पहले एपिसोड के आखिरी खबर की तरफ। आर्मी न्यूज़ नंबर 1। भारतीय सेना ने 27 फरवरी को एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया था जिसमें भारत ने अपने ही MI-17 चॉपर को सरफेस टू एयर मिसाइल से मार करके गिरा दिया था। अगर आप 27 फरवरी को मेरी ही तरह TV स्क्रीन से चिपके हुए थे तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा कि उस दिन सुबह सुबह ये खबर आया था कि एक भारत का हेलीकॉप्टर जिसमें 6 जवान सवार थे वो कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हो गया है। कुछ समय बाद इसका वीडियो भी रिलीज़ किया गया था जिसमें ये दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को दिखाया जा रहा था और इसके आसपास कई सारे कश्मीर के वहाँ लोकल लोग मौजूद थे। तो शुरुआत में तो हमें यही लगा था कि ये पाकिस्तान द्वारा किया गया एक अटैक है, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि ये LOC से काफ़ी दूर है और ये अपना ही एक इंटरनल फेलियर के वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जबकि जो असली कांड है वो पाकिस्तान ने पहले ही कर दिया है। यानी उस समय पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स के इंट्रूजन की खबर आ चुकी थी और बताया जा रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के आर्मी बेस पे मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका मिसाइल बाउंड्री तक ही रह गया और वापस भागना पड़ा पाकिस्तान को। उस समय माहौल इतना गर्म हो रखा था कि हमारा पूरा ध्यान F-16 MiG-21 और साथ ही साथ हमारे हीरो अभिनंदन के ऊपर था। वहीं हम दूसरी तरफ इस खबर को तो भूल ही गए थे कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश किया। 27 फरवरी के दिन जब पाकिस्तानी F-16 भारत की सीमा में घुसे तो भारत के सारे एयर डिफेंस जो यूनिट्स थे उनको ये खबर पहुंचा दिया गया कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स घुसे हैं। इसी दौरान ये MI-17 हेलीकॉप्टर किसी एयर डिफेंस यूनिट को दिखा होगा और अगर उसका कम्युनिकेशन MI-17 के पायलट से नहीं हो पाया होगा तो उसे लगा होगा कि यही वो पाकिस्तानी फाइटर जेट है या पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है और ये समझ के उसने इसे मार गिराया था सरफेस टू एयर मिसाइल से। नए एयर चीफ भदौरिया ने कहा कि ये जो इंसिडेंट था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और जो भी ऑफिसर्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसके लिए 2 ऑफिसर्स ज़िम्मेदार थे जिन्होंने ये मिसाइल चलाया था, उन्हें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत ले जाया गया है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि उस दिन जो हालात थे
उस समय किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट कहाँ गए हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो उस समय जो भी एयर डिफेंस यूनिट वाले होंगे, अगर उनका कम्युनिकेशन किसी एयरक्राफ्ट के साथ नहीं हो पाएगा तो उन्हें मजबूरन ये समझना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के ही हैं और अंदाजन उन पर फायर करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ इन दोनों ऑफिसर से बहुत बड़ी चूक हुई है, उन्हें अच्छे से पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कोई भी एक्शन लेने से पहले। लेकिन उस समय के जैसे हालात थे, उनके जगह अगर कोई और भी होता, अगर मैं भी होता तो शायद मैं यही फैसला लेता। तो मुझे लगता है कि उन्हें कटघरे में खड़ा करके और उनके ऊपर कोई ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले करके आप आर्मी का मनोबल गिरा रहे हैं। अगर आप सेना का हाथ इतना बांध देंगे तो अगली बार उन्हें पाकिस्तान के ऊपर भी फायर करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये गोली पाकिस्तान को लगेगा या कहीं हमारे टेरिटरी के किसी को ना लग जाए, वरना हमें जेल हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि गलती का पता लगना और गुनहगार को सज़ा मिलना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये किसी नॉर्मल डे के दौरान हुआ होता अभी के हालात में, तो मान सकते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती होती। लेकिन उस दिन के हालात, जबकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ऑलरेडी हमारे सीमा के अंदर थे और ये इनपुट उन लोगों को मिला था, तो इस गलती को मेरे हिसाब से भूल समझ के माफ़ कर देना चाहिए। तो इसी के साथ आर्मी न्यूज़ का पहला एपिसोड ख़त्म होता है। आपको इस मसले पे क्या कहना है, आप नीचे कमेंट में जा कर के लिख सकते हैं कि आर्मी जो कर रहा है वो सही है या नहीं है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको हमारा ये पहल पसंद आया। अगर हमें अच्छे खासे लाइक्स मिलेंगे तो हम आगे से और भी आर्मी न्यूज़ के एपिसोड्स लाते रहेंगे। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारा कंटेंट डालते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप इंडियन आर्मी के स्वेटशर्ट्स और टी शर्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको वो बहुत ही सस्ते दाम पे मिलेंगे, कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे। बलिदान का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जाके उस लाल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।